आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को आगे तक देखिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुन भी रखा होगा और हो सकता है आप लोग इस बिजनेस को करना चाह रहे होंगे। दोस्तों लो इन्वेस्टमेंट में चालू करने वाला, कम स्पेस, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपको एम्प्लॉय की, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपको मशीनरी की, इस तरीके का होने वाला ये बिजनेस। और इसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग कम पैसा इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी वाले बिजनेस में हम लोग बात करेंगे आप लोग को चाय बिजनेस के बारे में। तो चाय बिजनेस के बारे में अगर आप लोग को कंप्लीट जानना है तो ये वीडियो को आप लोग आगे तक देखते रहिएगा। और मैं अगेन आपसे कहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज आ गए हैं हम लोग दोस्तों चाय पत्ती के गुड़ाऊ में आप लोगों को समझाने कि चाय पत्ती का बिजनेस आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग जयपुर से हैं तो दोस्तों ये जयपुर में ही स्थापित है, और जयपुर से बाहर से भी हैं तो आप लोग इनकी सेवाओं जो हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। कैसे आप लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं इसकी भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो लगातार बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, हम आपको वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, किस तरीके की चाय पत्ती है, कहाँ से आती है, कितने रुपये किलो आती है, कैसे मशीनरी, पैकेजिंग, सब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी चाय पत्ती व्यापार शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं और उसके लिए आपको चाय पत्ती की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग केशव ट्रेडिंग कंपनी का ये गोडाउन है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इनका जो ऑफिस एड्रेस है, लोकेशन है, इनका जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेरियस टाइप की चाय पत्ती के ब्लेंड्स, चाय पत्ती आप लोग को अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। चाय पत्ती में डिफरेंट टाइप की ग्रेड्स चलती हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स चलते हैं, अलग अलग रेंज का अलग अलग चाय पत्ती होता है, तो वो भी जो है आप लोग इनसे मंगवा सकते हैं। तो आप लोग अगर चाय पत्ती के बारे में या चाय पत्ती के काम के बारे में सोच रहे हैं, चाय पत्ती के व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। शुरू कितने से कर सकते हैं दोस्तों, इसको शुरू करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पूंजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको इनके वेल तरीके से आप लोग शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इस व्यापार में आना चाहते हैं और इसमें आप क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके वीडियोस का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कंप्लीट बताया गया है कि कैसे आप लोग शुरू कर सकते हैं और कितनी पूंजी से शुरू कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी दोस्तों बताया गया है। तो मैं जनरली आपको बता देता हूँ, इस तरीके की कुछ मशीनरी दिखाएं कैमरामैन भैया एक बार, इस तरीके की कुछ मशीनरी होती है, ये पैकेजिंग मशीन होती है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके अलावा मैं यहाँ पे इनको बोलूँगा, एक बार इधर दिखाएं, अगर आप लोग लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं तो इस तरीके की छोटी मशीनरी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। पैकेजिंग पाउचेज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके के पैकेजिंग पाउचेज होते हैं, तो ये भी दोस्तों जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं जब आप लोग चाय पत्ती बिजनेस में आते हैं। उसके अलावा मिलता है दोस्तों बीइंग स्केल के अलावा देखो, यहाँ वेरियस टाइप की चाय पत्ती रखी हुई है। तो चाय पत्ती में आपको यहाँ पे स्टॉक भी आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अलग अलग तरीके की चाय पत्ती आसाम और सिलीगुड़ी से मंगाई जाती है, उसको टेस्टिंग करने के बाद में दोस्तों प्रॉपर आप लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आप इनके साथ जुड़ के कैसे काम कर सकते हैं, इनका जो ब्रांड है भारत गोल्ड चाय के नाम से आप लोग उसके साथ काम कर सकते हैं, या लूज में इनसे अलग अलग चाय पत्ती आप लोग मंगवा सकते हैं। और चाय पत्ती खरीदने से पहले एक प्रोसेस होती है सैम्पलिंग की, आप लोग सैंपल ऑर्डर कर सकते हैं, आप भारत के किसी भी कोने से हैं वहाँ पर आप लोग सैंपल्स मंगवाएं चाय पत्ती के और फिर इस चाय बिजनेस में आए। आप सैंपल मंगवाने का जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वो भी आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अब इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग जो है पैकेजिंग कहाँ से लें, तो पैकेजिंग के दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप लोग खुद के नाम से ब्रांड नहीं बनवा रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट रेडीमेड पैकेजिंग जो है वो भी चाय पत्ती बिजनेस के लिए खरीद सकते हैं, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे उस पर संपर्क कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किस तरीके की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो लाइसेंसिंग में मैं आपको कहूँ कि आप लोग जब इस बिजनेस को इनिशियल लेवल में शुरू करते हैं तो इस बिजनेस को करने के लिए ओनली आपको जो है फूड लाइसेंस FSSAI का एक जो लाइसेंस है उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन बनवाना होता है, वो बनवा के और आप लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा आपको झमेला करने की जरूरत नहीं है, GST नंबर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग जब स्टार्टिंग में आ रहे हैं इस बिजनेस में तो आपको GST नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो आप लोग अगर डायरेक्ट पैकेजिंग यानी कि डायरेक्ट किसी का ब्रांड लेके इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों 5,000 रुपये का भी ले सकते हैं, 10,000 रुपये का भी ले सकते हैं और 1,00,000 का भी माल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। इसके अलावा आप लोग लूज लेके खुद पैक करना चाहते हैं तो खुद पैक करने के लिए आपको 2-4 जो प्रोसेस है उनको फॉलो करना होता है। पहला लाइसेंसिंग का है, दूसरा आपको जो छोटी मशीनरी आती है वो परचेज करनी होती है, तीसरा आप लोगों को एक विंग स्केल भी लेना पड़ता है, चौथा आपको पैकेजिंग लेना पड़ता है और पांचवा रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। तो इन 5 प्रोसेस में जो है मिनिमम अमाउंट की हम बात करते हैं तो 10 से 15,000 रुपये का खर्चा
आ जाता है। तो अगर आप लोग भी यू आर प्लानिंग फॉर ट्री बिजनेस तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आपके पास 15,000, 20,000, 25,000, 2,00,000, 5,00,000 जितने भी पैसे हैं और आप लोग उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं या फिर जो लोकेशन दी गई है वहां पे आप विजिट करके भी पता कर सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से इस बिजनेस में एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको विजिट करा ही दिया है, आप लोग अगर चाय पत्ती की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग इनके साथ जुड़े और इनसे मंगवा लीजिए दोस्तों। जिस तरीके की, जिस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, जिस तरीके का ब्रांड चाहिए, आप लोग होटल पे काम करते हैं, आप लोग ढाबों पे काम कर रहे हैं, आप लोग फैमिली के लिए चाय सप्लाई कर रहे हैं, सभी तरह की चाय पत्ती जो है इनके पास अवेलेबल होती है। तो आप लोग इनके साथ जुड़ के और अपना जो चाय पत्ती व्यापार है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा खासा अर्निंग। इस बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटियाँ हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हर एक जने की शुरुआत सुबह चाय के साथ होती है और हम लोग भारत देश के निवासी हैं तो यहाँ पे दोस्तों घर में 3 बार 4 बार 5 बार चाय बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक आदमी, हर एक, मैं कहता हूँ कि कोई भी एज कैटेगरी आप ले लो, सब लोग चाय पी रहे हैं। चाय की जो लोकप्रियता है वो बढ़ते जा रही है और ये भी एक वजह है कि इसकी जो सप्लाई है वो इतना ज़्यादा होते जा रही है। आज चाय के बहुत वेरियस टाइप आ गए हैं, अलग अलग तरीके की चाय मार्केट में आ गई हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतने ज़्यादा इसके सप्लायर है, उतने ज़्यादा इसके कंज्यूमर्स हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इजी है, लेकिन इजी इसलिए कि इसकी जो सप्लाई है जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका आप लोग जो फायदा उठा सकते हैं और अपने नियर बाई एरिया से शुरू करके और अच्छी खासी ब्रांड बना के आप लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनको आप लोग देखें और आप लोग जो है इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप लोग लगातार जुड़े रहें छोटा बिजनेस.com के साथ। नमस्कार।